फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज फिर से हाजिर हुआ हूँ लेकर अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट। दोस्तों, पिछली बारी हमने एक विषय स्टार्ट किया था, स्नेक बाइट, मतलब सांप का काटना। उसके ऊपर हमने दो वीडियो पहले बना चुके हैं, और कुछ लोगों ने हमें इसका तीसरा जो है टोटल एक टोटल डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाने की जो है एक रिक्वेस्ट की थी। उसके ऊपर मैं आज फिर से आया हूँ, और आज स्नेक बाइट के ऊपर एक टोटल डिस्क्रिप्टिव विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, स्नेक बाइट ये दो टाइप के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, और मोस्टली जो हमें स्नेक बाइट होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, क्योंकि पॉइजनस स्नेक जो है दोस्तों वो खास करके जंगली इलाके में, जहाँ पे जंगली भाग है, पहाड़ी भाग है, जंगली एरिया है, जहाँ पे जंगल झाड़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं, ऐसे ही जगह पे जो है पॉइजन स्नेक मिलते हैं, जहरीली सांप मिलते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक जो है ये हमारे सिटी के एरिया में या क्लोज्ड एरिया में ज़्यादातर मिलते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में, वहाँ पे नॉन पॉइजनस स्नेक मिलते हैं, और मोस्टली 95% स्नेक बाइट जो है ये नॉन पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं। तो स्नेक बाइट में डिफरेंस कैसा करें कि पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। पॉइजनस स्नेक में जो स्नेक का जो बाइट होता है उस पर जो मार्क होते हैं वो दो मार्क होते हैं, और नॉन पॉइजनस स्नेक में जो मार्क होते हैं वो चार मार्क होते हैं। दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस अगर हम बात करेंगे तो सेकंड डिफरेंस में हम ये बताएंगे दोस्तों कि वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है साइन एंड सिम्टम्स का, मतलब उसमें साइन सिम्टम्स में लक्षण क्या रहता है, डिफरेंस क्या है। दोस्तों, पॉइजनस स्नेक पे जो है सब में ज़्यादा साइन सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, गिडीनेस होता है, फिर बाद में चक्कर आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है दोस्तों, और कभी कभी सांस भी बंद पड़ती है, बीपी फ्लक्चुएट होता है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, हार्ट रेट में बदल होता है, हार्ट रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मोस्टली हार्ट रेट उसमें जो है कम की तरफ ही चला जाता है, कभी कभी बढ़ता भी है, और कभी कभी रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेशन हमारा फेल होता है, और पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो सकता है जब स्नेक बाइट ये पॉइजनस है। नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट में कोई भी सिम्टम नहीं होता दोस्तों, हमें सिर्फ 24 आवर ऑब्जर्व करना है और उसके बाद रिलीज करना है, उसे सिर्फ इंजेक्शन डीडी दिया जाता है, बाकी जो पॉइजनस स्नेक की ट्रीटमेंट है वो नॉन पॉइजनस स्नेक में नहीं किया जाता है। उसके बाद हम दोस्तों ये बात करेंगे कि बाबा पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में, पॉइजनस स्नेक में जो है बहुत से प्रकार हैं, फिर बाद में हेमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, फिर उसमें बहुत से नाम भी आते हैं, कोबरा है, किंग कोबरा है, और नॉन पॉइजनस में मोस्ट स्नेक बाइट जो है ये नॉन पॉइजनस ही है, हमारे एरिया में तो नॉन पॉइजनस ही स्नेक बाइट होते हैं। तो ट्रीटमेंट पे अगर हम आएंगे दोस्तों, तो नॉन पॉइजनस स्नेक में तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है, सिर्फ उसे समझाना है कि बाबा आप रिलैक्स रहो और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को चले जाओ, और जो भी सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो डॉक्टर को बोलो। दैट मीन्स डू इट राइट का जो फार्मूला हम पिछले वीडियो में बताए थे वो आपने ध्यान में रखना है, री एश्योरेंस, इमोबिलाइजेशन, गेट टू द हॉस्पिटल, टेल द डॉक्टर, पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो। दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर या यूट्यूब में ऐसा बताया जाता है वीडियोज़ में कि बाबा स्नेक बाइट अगर जहाँ पर है वहाँ पर टॉर्निकेट या रस्सी बांध देनी चाहिए, समझो यहाँ पर मेरे को स्नेक बाइट हुआ है तो यहाँ पर रस्सी बांधना या टॉर्निकेट बांधना, ऐसा बहुत से वीडियो में बताया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही गलत है, आप टॉर्निकेट या रस्सी बिल्कुल ना बांधे, वो बांधने के बाद जो है यहाँ का ब्लड फ्लो बंद होता है, और यहाँ पे जो पॉइजन जमा हुआ है वो यहाँ पर पूरा जो ये हाथ है इसको ख़राब करता है। एक घंटे से पहले अगर ये टॉर्निकेट नहीं काटा जाएगा तो ये हाथ काटना पड़ सकता है, इसको बोलते हैं एम्पुटेशन। अगर एक घंटे के बाद ये टॉर्निकेट काटा जाएगा विदाउट डॉक्टर को बताए, तो वो पॉइजन, वो टॉक्सिक जो है पूरे बॉडी में फैलता है, और पेशेंट की डेथ उसी जगह पे हो जाती है दोस्तों। तो टॉर्निकेट नहीं बांधना चाहिए, वहाँ पे जो है कोई इंजरी नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे मुंह से कभी भी पॉइजन नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें स्नेक बाइट में करना नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे कोई कोल्ड कंप्रेशन या बर्फ़ नहीं लगाना है, कोई वहाँ पे घरेलू उपचार नहीं करना है। दोस्तों, स्नेक बाइट में कोई भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अगर पॉइजनस स्नेक है, बाइट है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को रन करना है, वहाँ पर जो है आपको एंटी स्नेक वेनियम का इंजेक्शन दिया जाएगा, नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन,
जैसे जैसे कंडीशन है वैसा आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जाएगी। दोस्तों आपको जो है कोई भी जो है देशी इलाज इसमें काम नहीं आएगा, कृपया करके देशी इलाज मत कीजिए। और बहुत से लोग स्नेक बाइट हुआ तो बहुत से उपाय उपचार करते हैं, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, कुछ भी मत करो, आप हॉस्पिटल को लेके जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1 घंटे के अंदर जो है पेशेंट हॉस्पिटल को रन होना चाहिए, कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा कम नहीं काम नहीं आएगी। बहुत से यूट्यूब वीडियो में बताया जाता है कि 10 रुपये की दवा काम आएगी, 15 रुपये की, 50 रुपये की, आपको हॉस्पिटल में जाएंगे तो हज़ारों रुपये लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको स्नेक बाइट में उपचार करना पड़ेगा। अगर स्नेक बाइट पॉइजन्स है तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को रन करना होगा, नहीं तो जान भी जा सकती है। फैसिकुलेशन है, पिन पॉइंट पुपिल्स है, और रेस्पिरेटरी फेल्यूर है, बहुत सी चीज़ें पॉइजनस स्नेक बाइट में होते हैं दोस्तों। और इसमें और एक बात बताया जाएगा तो कि ये कि आप अच्छी सलाह लें, ख़राब सलाह ना लें। दोस्तों इसी के साथ जो है स्नेक बाइट में जो हॉस्पिटल को चले जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शन शुरू हो जाते हैं। सांस बंद हो रही है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा, जो स्नेक पॉइजन है उसका जो है एंटीडोट है उसको बराबर अपलोड किया जाएगा, आईवी से आपके शरीर में दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका उपचार सही तरीके से होगा। अगर आपका उपचार गलत हुआ तो आपको बहुत ही नुकसान होगा दोस्तों। दोस्तों मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे इस इन्फॉर्मेशन को फैलाए ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो, और गलत इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा शेयर ना करें। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे हमारे आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं, और हमारे पोस्ट अच्छे लगते हैं, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो हमसे जुड़े रहो, हमसे कनेक्टेड रहो। हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आगे इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देंगे। जस्ट हमारे खाली वीडियो को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ये रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्योंकि अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा पहुँचाएंगे तो उसका फ़ायदा लोगों को होगा दोस्तों। थैंक यू।